श्रद्धे साशी प्रलय सहयादी हिमकिर भगिनमान भारत नेपाल निवासी अपने तमाम आबाल वृद्ध के मिथिला टीवी में हार्दिक स्वागत अछि। ज्ञातव्य अछि जे वर्ष 2019 के मिथिलाक बाढ़ 1987 सँ बेसी प्रलयकारी सिद्ध भेल। सवाल उठल जे एहि प्रकोप के मूल कारण की छल। विशेषज्ञ के कथनानुसार भारत अधिकृत ने मिथिला में अपेक्षा सँ कम वर्षा भेल, मुदा हिमालय के तराई यानी चीन भूटान नेपाल में ग्लोबल वार्मिंग के कारण हिमपात संग वर्षा अधिक भेल, जकर परिणाम नेपाल के तराई क्षेत्र पूर्णतः प्रभावित भेल। अधिक जल घनत्व के कारण नेपाल भारत सीमा स्थित कमला कोशी के फाटक खोल देल गेल। तातक भारत अधिकृत मिथिला में औसत वर्षा भौ चुकल छल। जनसंख्या वृद्धि के कारण मिथिला में पोखरि खद्धा डबरा नहरि भरि कऽ लोक घर बना चुकल अछि, जतय जल संग्रह के संभावना समाप्त भौ चुकल छल। मिसमैनेजमेंट के कारण बीच में फाटक नहीं खोल किनारा के फाटक खुलल गेल, जे दोनों तट पर जल दबाव बढ़ा देलक। बाद में समस्त फाटक खोल देल गेल। दोसर तरफ बांध के वर्षों से देख रेख के अभाव में आ स्थानीय निवासी द्वारा सरकारी जमीन पर घर बनाकर रहला के कारण बांध में चूहा खरगोश आदि अपन अपन घर बना चुकल छल। फलतः एहि बेर बांध कतेको जगह टूटि गेल। जल संग्रह के साधन नहि छल। नरेगा द्वारा बनाओल गेल नहर के जोड़ल नहि गेल छल, तकर परिणाम भेल जे जल स्तर बहुत बढ़ि गेल। विशेषज्ञ के अनुसार नदी पर जे पुल बनाओल गेल ओकर लंबाई कम कऽ देल गेल, तकर कारण जल दबाव बढ़त। बांध कमजोर छल, लोक के सूचना के सेहो अभाव छल। संगहि एहि बेर मिथिला में प्रथम बेर जल साइक्लोन देखल गेल, जकर कारण जखन IITN सँ पूछल गेल तऽ ओ कहला जे से अपने खुद सुनो। हेलो सर, as per your question I would like to say that cyclone is a result of chain reaction which feeds on warm air and humidity. It happens more in the tropical areas nearer to sea or ocean. Temperature should be higher than 27 degrees Celsius. It starts with the basic process of evaporation of water from the ocean surface. This evaporated water then rises up, leaving an empty space down below, which allows the colder air around the space to fill it. The cooler air rushes in to fill the area, it becomes hotter and then rises up, and this process continues. But this cooler air rushing to replace the warm air, but due to the earth's rotation, it starts to swirl around a point called eye of the cyclone. Thus this Coriolis force starts up the cyclone, which is fueled by warm air. Now this eye of the cyclone is the center of cyclone, which is the least pressure area where winds are the strongest. This cyclone also moves forward, but when it leaves the sea, it starts dying off. So in short, cyclone is a swirling wind which can happen in any area which has too much of water and moderately high temperature. Since this cyclone is swirling around, its pressure difference creates a force which pulls things around it upward to the top of the cyclone. May it be a human or a house or water or anything. वहाँ पर गर्मी रही होगी, ह्यूमिडिटी रही होगी, पानी का जमाव हो गया होगा। इन स्थितियों में साइक्लोन के चांसेस काफ़ी रहते हैं। ऐसे में ये साइक्लोन दोबारा भी बन सकते हैं। थैंक यू। अर्थात मिथिला में एकरा हथिया सूर कहल जाए छल, से अपने लोकन सोशल मीडिया के द्वारा देखलौं। बड़ा गजब बात छो, सला अजूबा काम छो, बापरे बहुत ही अजूबा गप छो, कि धार मेन धार में छो, पानी ऊपर जाए छो, हे पानी सुरे छो, वर्षा है तो ना बट
कथी उड़ल जाए छे पंछी कोसी नदी में पानी घींच रहा है पैसों का गर्गो पंचायत तरह गजब बात छो पानी लगे पड़ते घींच लेते सर बनिया सुनर पड़ जाए कि नहीं दुख अरे सीधा मस्तक सुख लगे आसमान बाप रे गजब का सिस्टम छे लेकिन हो बोले जे कि जाय के झाल मिलते नहीं दूर चल गेले है ब्या जमीन त सुखल मिलते नहीं मैं सुरेखते जा रहल छी सुरेखते जा रहल छी पानी का जा रहल छी हवा पानी सुरेखते जा रहल छी पानी का हवा सुरु कते जाय छी अरे पानी पूरा सुरख लगे जते त बारिश हेते सोशल मीडिया किछ दुष्प्रचारों के लग जे नहीं होबाक चाही उचितन ई शुभ संकेत छल जे झंझारपुर के सांसद अविलंब अपन क्षेत्र सांसद के कार्य छोड़ कर पहुँच गेला इहो शुभ संकेत छल जे जनता अपन प्रतिक्रिया अपना प्रतिनिधि के देखौलथि जनता सांसद के क्षति नहीं पहुँचौलथि ने सांसद एकरा कोनो दोसर रूप में लेलथि दोनों यानी सांसद रामप्रीत मंडल आ जनता प्रशंसा के पात्र छथि जो समस्त मिथिला में एहने सांसद और जनता भ जाए तो मिथिला के भविष्य निकट में निश्चित रूप से मंगलमय भ जायत बिहार सरकार में जे तथा कथित मैथिल के जनप्रतिनिधि छथि हुनका ए घटना से सीख लेबाक चाही आ अपन गलती स्वीकार करबाक चाही कारण हवाई सर्वेक्षण से बाढ़ नहीं रोकल जा सकैत अछि आ चुनाव निकट अछि त जनता सहानुभूति अपने के नहीं दे सकल बाढ़ एला के बाद जे बंदर बाट हैत एकर जिम्मेवार बिहार सरकार हैत ई जनता भली भांति बुझ चुकल अछि अतः अस्थाई निदान के लेल सर्वदलीय बैठक होबाक चाही बांध के ऊंचाई बढ़ेबाक चाही नदी के सफाई जरूरी अछि बिजली उत्पादन में जल के प्रयोग होबाक चाही प्रत्येक गांव में सरकारी जमीन के खोज कर ओतः जल संरक्षण के लेल तालाब निर्माण होबाक चाही तमाम नदी आ मानव निर्मित नहर के जोड़बाक प्रयास होबाक चाही तत्क्षण प्रभावित इलाका में चिकित्सा भोजन वस्त्र आ पुनर्वास के लेल एक निश्चित रूप से ठोस कदम उठेनाई बिहार सरकार के कर्तव्य बनैत अछि जे होबाक चाही भैया।
आप देखा कि पोल लंच चले गए ये बात मनसारा का सीन है, बात मनसारा का सीन है, अभी अभी टूटा है। कुमरल का बांधी बांध टूट गेल, कुमरल का पास बांध टूट गेल, कुमरल का पास बांध टूट गेल। देख लियो पानी का नजारा कतेक तेज रफ्तार में है, हद से ज्यादा पानी अखन तेज में बढ़िए रहल है। वीडियो चालू देखियो यो गांव समाज के लोग, सरकार कुर्सी पर बैठला सब दहाबो और भर हल छे। कुछ ध्यान दियो, ध्यान दियो। मधुबनी जिला लोकी प्रखंड कुकुरदोरा पंचायत दुधैला गांव बगल में छतापुर गांव सब गेल। तहन कुर्सी पर बैठ के देखबेटा नहीं करू, कुछ पर विचारो करू, विमर्शो करू। तहन राहत कुछ सामानो तमानो भेजियो, बुझलिए। अन्य विश्वास यह देखियो जनो घर देखियो की हाल छे, पूरा जलाबो देखियो कतौ बुझाया घर द्वार, सब घर द्वार चल गेल पानी में दहाबोर। एरिया का सब साल यहाँ स्थिति छे, ऐ पर सरकार का नजर नहीं छे, न रोड छे न सड़क छे। ऐ कहू कना रहते है का लोग, और ध्यान दियो। चलू बंद करू। तोर वीडियो कर दिछम, वीडियो है ए देखा ए फोन चला सर रोड के फेट कर एक सर ए देखा हाय कि नहीं बनाई है। हे प्रत्यक्ष दर्शी, जौ अपने के ई वीडियो नीक लागल तो तत्क्षण सब्सक्राइब करू। मिथिला टीवी के संपर्क सूत्र अछि 9971362584। पता अछि www.mithilatv.wordpress.com।